हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ संसद भवन में लगे उल्टे पंखे के बारे में। बेहद रोचक वजह जिसके पीछे कुछ खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हमारे देश की संसद में पंखे उल्टे लगे हैं, यानी कि पंखे जमीन से छत की ओर लगे हुए हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की खास वजह। तो दोस्तों, हम सबके घरों में पंखे जरूर लगे होते हैं, वही पंखे जो हमें गर्मी की मार से बचाते हैं, हमें राहत देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर में पंखे कैसे लगे हुए हैं, तो आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है। जाहिर सी बात है, पंखे छत से नीचे की ओर लटकते हुए लगे हुए होते हैं। लेकिन ये क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की संसद में पंखे उल्टे लगे हैं, यानी कि पंखे जमीन से छत की ओर लगे हुए हैं। ये सुनकर आप हैरान तो जरूर होंगे, लेकिन ये सच है। इसके पीछे की वजह भी बहुत रोचक है। तो चलिए जानते हैं संसद भवन में पंखों के उल्टे लगे होने के बारे में। अगर आपने संसद भवन के सेंट्रल हॉल की कोई तस्वीर या वीडियो देखी होगी, तो गौर करिएगा, वहाँ पंखे उल्टे लगे हुए। 21 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ नॉर्थ ने संसद भवन की नींव रखी। संसद भवन को डिजाइन करने की जिम्मेवारी मशहूर आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस और हार्वर्ड वेकर को दी। संसद भवन को बनने में 6 साल का समय लगा। भवन तैयार होने के बाद भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन। संसद भवन की वैसे तो कई खासियतें हैं जो इसकी बनावट को काफी अलग बनाती है। इसी में से एक है इसके सेंट्रल हॉल में जमीन से लगे हुए सीलिंग फैन। एक्सपर्ट्स की माने तो जब संसद भवन बना तो इसका गुंबद बहुत ही ऊंचा बनाया गया। सेंट्रल हॉल का गुंबद पूरे संसद का सेंटर है। ऐसे में उस समय जब पंखे लगाने की बारी आई तो छत काफी ऊंची थी, जिसके कारण सीलिंग फैन लगाना मुश्किल हो रहा था। लंबे डंडे के जरिए भी पंखे लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बात बनी नहीं। इसके बाद सेंट्रल हॉल की छत की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए अलग से खंभे लगाए गए, फिर उन पर उल्टे पंखे लगाए गए, जिससे हॉल के कोने कोने तक हवा पहुंच सके। तब से ये पंखे इसी तरह लगे हुए हैं। संसद भवन की इसी ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए कोई बदलाव भी नहीं किया गया। यही वजह है कि आज भी यहाँ उल्टे पंखे ही लगे। दोस्तों, शायद आपको पता हो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को भारत की संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया गया। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही बनना प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक ये एक तिकोनी इमारत होगी, जबकि मौजूदा संसद भवन वृत्ताकार। अब सवाल ये उठता है कि नया संसद भवन बनाने की क्या जरूरत। जानकारी के मुताबिक संसद के बढ़ते काम के चलते एक नई इमारत की जरूरत महसूस की गई। मौजूदा संसद भवन में जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में नई संसद बनाने का फैसला लिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 स्क्वायर मीटर होगा, जो कि अभी के संसद भवन से 17,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। मौजूदा संसद भवन देश की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। ऐसे में आपको जब भी मौका मिले दिल्ली जाकर संसद भवन जरूर देखें। वहां आपको कई दिलचस्प बातें जानने को मिलेगी, साथ ही खूबसूरत आर्किटेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में।